ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन है बाबा? ये है बात एक रात की। राजेश वकील को केस लड़ना पड़ेगा और जब वो केस जीत जाएगा ना तो उसका नाम हो जाएगा, फिर मैं A1 मुंशी हो जाऊंगा। उसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। मैं मर गई तो शादी किससे करोगे? ओफो, ऊपर जाके कर लूंगा, उसमें क्या है। अरे मगर सुनो तो सही। ओफो, अरे सुनो तो सही, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजेश कभी कोई केस लेता ही नहीं। घर वाले परेशान, माँ जी परेशान, मैं परेशान, मैं इसीलिए तुमसे बोले वो जा रहा। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं। ना तो परवाना और ना दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें, गम किसे मंजिल का। ना तो परवाना और ना दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें,
गम किसे मंजिल का, मैं तो हूँ राही दिल का। साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में। कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। जैसे कभी प्यारे झील के किनारे हंस अकेला निकले, वैसे ही देखो जी ये मन मौजी मौजों के सीने पे चले। चांद सितारों के तले, साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में। कोई साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं। मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानी फर्ज के नाते ऐसे डूबने से बचाया जरूर है। आपने पुलिस की बहुत बड़ी मदद की है, इस पर खून का इल्जाम है। खून का इल्जाम है? हाँ जी। आप इसे ले जा सकते हैं। कांस्टेबल्स, इसे वैन में ले चलो। मिस्टर राजेश, कल पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे जाइए। श्योर इंस्पेक्टर। थैंक यू। कितनी बार कहा कि तेरी बिटिया भी है, कोई नहीं है, जा यहाँ से। ऐसे मत कहो भैया, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अरे कितने साल हो गए उसे देखे हुए, माँ बेटी को अलग मत करो भैया। सीधे यहाँ से जाती है नहीं, हट। मुझे जाने दो। हेलो देशमुख। अच्छा हुआ आप आ गए, कल रात वाले केस के पंचनामे में आपके स्टेटमेंट की जरूरत है। यस, बाय ऑल मींस आइए। बाबू साहब, बाबू साहब मेरा इंसाफ करो। ए वांद्रेकर, काय भानगड़ है कि भाई फरक कैसे आली? कौन है ये, क्या बात है? एक पागल औरत है साहब, कहती है कि इसकी बेटी यहाँ खून के इल्जाम में बंद है, न नाम जानती है न पता न ठिकाना। ढूंढ बाहर। चलिए राजेश बाबू। अरे सुना नहीं, साहब ने क्या कहा, जाओ यहाँ से। बेटी, बेटी, मेरी बेटी, बेटी। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम माँ के दिल नहीं समझ सकते, लेकिन तुम्हारी भी माँ होगी,
मैं तुम्हें मुझे माँ के प्यार की कसम देती हूँ, तुम मेरी मदद करो, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ बेटा, मेरे बेटे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मुझे मेरे सुखी हाथी मिला दो, मुझे मेरे सुखी हाथी मिला दो। अरे भाई जरा टैक्सी तो मंगवा ना। आप कहाँ पहुँचाते? नहीं नहीं बाबू साहब ऐसे मत कहो, मैं कहाँ जाऊंगी क्या करूंगी, मैं तो गाँव से भागी भागी आई हूँ, मैं यहाँ किसी को पहचानती भी नहीं। कितना तो कर सकते हो बाबू साहब, किसी वकील के इंतजाम कर दो। वकील भी क्या करेगा, अगर आपकी लड़की ने खून किया ही है तो उसे सजा तो मिलेगी। उसने खून नहीं किया, वो बहुत सीधी लड़की है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती, जरूर उसे किसी ने फंसाया है। ये देखो उसकी फोटो अखबार में छपी थी, ये देखो कितनी भोली वाली सूरत है, भला ये कभी भूल कर भी ऐसा पाप कर सकती है। ये आपकी बेटी है? यही बाबा जी ने मेरी बेटी। लेकिन ये मिस नीला स्टेज की नामी आर्टिस्ट दौलतमंद और ये लंबी कहानी है, मैं सब बताती हूँ, पर इतना वादा करूँ जैसे भी हो एक बार माँ बेटे को मिला दोगे। बोलो बेटा बोलो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, बोलो। आप घबराइए नहीं, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। कोई अपनी माँ से भी इस तरह मुंह फेरता है? मैं तुझसे कुछ लेने नहीं आई, कुछ मांगने नहीं आई, एक बार मेरी तरफ देख तो सही मेरी बच्ची। एक खूनी लड़की तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। तू खूनी नहीं है बेटी, मैंने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, मैं जानती हूँ तू ऐसा पाप नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुमने खून नहीं किया है, तुमने खून नहीं किया है, ये हाथ हरगिज खून नहीं कर सकते। इन आंखों में छुपी हुई सच्चाई से साफ जाहिर है कि तुमने खून नहीं किया, तुम्हें गलत फहमी हुई है जरूर, किसी की चाल किसी के डर से तुम्हें इल्जाम अपने सर पर ले रही है, तुम्हें मजबूर किया गया, तुमने खून नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया। बोलो कि तुम खून नहीं, बोलो, कह दो कि ये इल्जाम झूठ है, गलत है, कह दो कि तुमने खून नहीं किया है, कह दो मैं गरीब नौटों की खानदान की हूँ, सर के ऊपर नाच गा कर खेल दिखा कर हम लोग गुजारा कर लेते हैं। किस्मत की बात, एक दिन एक नाटक कंपनी की सेठ की नज़र नीलम पर पड़ गई, जबकि वो नाच गा रही थी। ठीक कहा, बगड़म बगड़म बाजे ढोल, सांभर पोरी जाए तो, अरे सांभर अरे सांभर अरे सांभर पोरी जाए तो। प्यार के
कभी पहुँचे ये सज्जन के गाँव भी, नहीं तो हुआ यही कट गए पाँव भी। पाँव कट गए तो फिर सर के बल चला के, सर भी कट गया तो फिर जल्दी वफा लिए। पाँव कट गए तो फिर सर के बल चला के, सर भी कट गया तो फिर जल्दी वफा लिए। गुरु ने ठीक कहा जो भी दीवाने प्यार के रे, सदा चले तलवार पे रे। जो है दीवाने प्यार के रे, सदा चले तलवार। खेलना चाहिए, इसका बड़ा नाम होना चाहिए। अरे सेठ जी, कहाँ नाम कहाँ दौलत, हम तो गरीब लोग हैं। गरीब अमीर पैदाइशी कोई नहीं होता, और ना गरीबी किसी को पकड़ रखती है। तुम इस लड़की को मेरे साथ भेजो और फिर देखो मैं इसे स्टेज की रानी बना दूँ। नहीं नहीं सेठ जी, हम जैसे हैं ठीक है, मानती हुए लड़की हो और लड़की पराया धन होती है, लेकिन सेठ जी दुनिया में कौन इस तरह अपने बच्चों को अलग करता है। तुम मेरा मतलब नहीं समझी, मैं भी इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। औलाद की तरक्की से माँ बाप की शान बढ़ती है, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती। आओ आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बेटी का सुख का ख्याल करके मैंने भी उसे नाटक कंपनी के मालिक बेनी प्रसाद जी को सौंप दिया और मैं गांव वापस चली गई। उसने नाम कमाया, दौलत कमाई, मैं खुशी से फूली नहीं समाती थी। अचानक मुझे नीला की यह खबर मिली और मैं गांव से भागी भागी यहाँ चली आई बाबू साहब। अब तो आप ही सब कुछ है, आप ही मुझ पर दया करो।
आप अंदर आ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, फरमाइए मिस्टर राजेश, BA LLB। मैं मिस नीला का डिफेंस काउंसिल और उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी हासिल करने आया हूं। इसके लिए आपको म्युनिसिपैलिटी या किसी पुलिस ऑफिस में जाना चाहिए था। मगर नीला कई साल तक आपके यहाँ मुलाजिम रही है, आपकी बहुत इज्जत करती है, और आज जबकि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में फंसी है, आपके दिल में उसके लिए इतनी भी हमदर्दी नहीं है कि। हमदर्दी? किससे हमदर्दी? यह स्टेज की दुनिया है वकील साहब, यहाँ हर चीज मुमकिन है, और फिर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यही उसूल मेरा भी, लेकिन मुझे यकीन है कि नीला बेकसूर है, यही मैं साबित भी करना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि उससे बचाने में आप मेरी पूरी मदद करेंगे बेनी प्रसाद जी। मेरा नाम बेनी प्रसाद नहीं है, द्वारकादास है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं। लेकिन मैं तो बेनी प्रसाद जी से मिलने आया था। उनसे आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। वजह? कुछ दिन हुए पूना रोड पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसी में उनकी जिंदगी का नाटक खत्म हो गया। बेनी प्रसाद जी की मौत हो गई एक्सीडेंट? तेरह जुलाई की रात को 11:30 बजे खबर आई कि वर्ल्ड थिएटर की डांसर मिस नीला के कमरे में रंजन नाम के एक नौजवान का खून हो गया है। पुलिस फौरन मौके वारदात तक पहुंची और माय रिवॉल्वर नीला को गिरफ्तार कर लिया गया। मकान का पता बंगला नंबर 236 सी फेस रोड नंबर 6। समझ गए, हम तो सोए गए।
कौन? क्या तुम जानते हो रानी माँ कहाँ है, कब आएंगी? लेकिन तुम कौन हो? मैं कालू, अंधाधिकारी। रानी माँ मुझे रोज खाना दिया करती थी, इसीलिए कई दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ मालूम है वो कब आएंगी? अंधे की क्या सुनो, चलो। जवाब नहीं दिया, चले गए क्या? अंधे की कोई नहीं सुनता। तेरी गली में मरना, तेरी गली में समझी? माय डियर टाइपराइटर। फिर टाइपराइटर बोला? गलती गलती। माय डियर जूली, ये देखो आज जीआईपी ने अपने काम से खुश होकर हमको ये टेनर इनाम में दिया है। सच्ची बोलता है, एक रुपया पांच आने वाली में दोनों चल के बड़े रुबाब से पिक्चर देखेंगे। चलो, हम सिनेमा देखना नहीं मांगता। मेरी मम्मी को शादी के खर्चे के वास्ते 500 रुपया मांगता। 500 रुपया? ऐसा करो कि ये 10 उसको अभी दो, बोलो 490 रुपये बाद में देगा। बोला आदमी भरोसे का है। अरे खिड़की तो बंद। आज का दिन भी फीका फीका, गम में तेरे बीता बीता। आह मेरी जान होने लगा, दर्द दिल में मीठा मीठा है। आज का दिन भी फीका फीका, गम में तेरे बीता बीता। आह मेरी जान होने लगा, दर्द दिल में मीठा मीठा हो। आज का दिन भी फीका फीका। क्या सितम है, क्या गजब है, जलवा दिखलाते नहीं। चुप के खिड़की में हो बैठे, सामने आते नहीं। यही है अदाएं, तो कब तक हूँ, तो कब तक हूँ मैं जीता। आज का दिन भी फीका फीका, गम में तेरे बीता बीता। आह मेरी जान होने लगा, दर्द दिल में मीठा मीठा हो। आज का दिन भी फीका फीका। अयो नी एन्ना सोल्रा? यार की गलियों में क्यों कर यार जाना छोड़ दे। किस तरह बुलबुल चमन से आशियाना छोड़ दे। तेरा हूँ के जब तक हूँ, के जब तक हूँ मैं जीता। आज का दिन भी फीका फीका, गम में तेरे बीता बीता। आह मेरी जान होने लगा, दर्द दिल में मीठा मीठा। आज का दिन भी फीका फीका। तू के रे एखने की, एखने की। हम तो यूं ही गाएंगा। गाए जब के लगता है, के लगता है मीठा मीठा। हाय आज का दिन भी फीका फीका, गम में तेरे बीता बीता। अब मेरी जान होने लगा, दर्द दिल में मीठा मीठा। आज का दिन भी फीका फीका, गम में तेरे बीता बीता। आह मेरी जान होने लगा, दर्द दिल में मीठा मीठा। आज का दिन भी फीका फीका। ओ
गॉड, मम्मी आ गया। ए छोकरा, तुम कौन है? हम तुम्हारा होने वाला दामाद है। देखो ना, जब तुम्हारा बेबी का मैरिज होएगा ना, जब वो मिस से मिसेस बनेगा तो हम उसका हस्बैंड होएगा। यू आर रियली वेरी लक्की मम्मी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। जूली, हम चाय लेकर आते हैं। नहीं प्लीज, तुम यही खड़ा रहो। हमारा नाम है सीआईडी। सीआईडी? पुलिस वाला सीआईडी नहीं मम्मी। बात असल ये है कि अपने डैडी ने अपना नाम बहुत लंबा रख दिया था, चुन्नी लाल ईश्वर लाल डोला गया, अपने को नहीं चला, अपन ने शॉर्ट करके सीआईडी कर दिया। आपको कैसा लगा? वेरी स्वीट नेम। मगर तुम्हारा उम्र कितना है? हमारा उम्र बस ये समझो कि जब भी बम्बई में घोले का ट्राम बंद हुआ था ना, जब भी अपने डैडी का मैरिज हुआ था, उसके एक साल बाद हम दुनिया देख लिया था, लेकिन घोले का ट्राम देखने को नहीं मिला। अभी उम्र का हिसाब आप लगा लो ना मम्मी। जी वेरी स्वीट मामा। अच्छा, मैरिज खर्चा के लिए हमको 500 रुपया मांगता है? देगा। ये देखो ना, मैरिज रिंग के वास्ते हमने 5 उधार देने वाले को उल्लू बनाया। रियल ज्वेल। हाथ आने दो, आई मीन उंगली। मम्मी, गलती क्या गलती हो रही थी? मम्मी तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, अपना जीआईपी ने नीला का केस जीता के 500 के हम तुमको 5000 देंगे। अभी तुम जाओ, जब हम देखते हैं अंगूठी बराबर बैठता है कि नहीं। थैंक यू। अरे ये अंगूठी बड़ा है कि उंगली छोटा है? क्या गड़बड़ किधर है? नहीं, जस्ट टेल मी। अगर तमाम परेशानियों से बचना चाहती हो तो इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दो। हिस्टेरिक कंडीशन है, बार बार दौरे पड़ते हैं। मेरा ख्याल है किसी गहरे सदमे का यह असर है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी ही बेतरतीब हो गई है। यू मीन टू से इस हालत में उसे सही सही स्टेटमेंट मिलना नामुमकिन है? एग्जैक्टली, इट इज नॉट पॉसिबल। स्टेटमेंट से पहले उसकी कंडीशन तो नॉर्मल होनी चाहिए, और बीइंग ए साइकिक केस, ओनली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही उसे सुधारा और संभाला जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर उसे एकांत में रखा जाए जहां ना तो वो पुरानी बातें याद करे और ना उसे पुलिस और कानून का डर हो, यानी कि आम लोगों की तरह महसूस करने की उसे सहूलियत मिले, तो उसकी हालत में तब्दीली होने की उम्मीद हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? हाँ, ठीक कहते हैं, मैं भी यही सजेस्ट करने वाला था। लेकिन आप लोगों के कहने और सजेस्ट करने से कानून नहीं बदला जा सकता। आखिर नीला खूनी है, मुजरिम है। नीला मुजरिम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो खूनी भी है, क्योंकि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। इसलिए फर्स्ट डिग्री मर्डर चार्ज पर नहीं, बल्कि सिर्फ सस्पिशन में ही आप उसे लॉकअप में बंद कर सकते हैं। इसलिए मैं, मिस्टर राजेश, आप बखूबी जानते हैं कि पुलिस का एक्शन किसी भी मामले में एक दायरे के भीतर ही होता है। मैं आपसे उस दायरे के बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उस दायरे ही को बढ़ा सकते हैं। हो, सामने वाले को उसी की बात से मात देने का अंदाज खूब है आप में। आप खुद ही सोचिए, आप यहाँ के कमिश्नर हैं, पुलिस के महकमे की सारी जिम्मेदारी आपके सर पर है। क्या आप ये मुनासिब समझते हैं कि नीला पर लगाया हुआ इल्जाम जबरदस्ती साबित किया जाए? क्या ये कम है कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है? क्या आप ये मुनासिब समझते हैं कि उस बेकसूर को सिर्फ इसीलिए सजा दी जाए कि उसने अपना गुनाह खुद कबूल किया है? एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि नीला ने खून किया है, तो क्या इसकी वजह यह नहीं हो सकती है कि उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया? कानून का सबसे बड़ा नारा है कि भले 11 खूनी बच जाए, लेकिन एक बेगुनाह को हरगिज हरगिज सजा नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल, जो कुछ भी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे नीला के सवार कोई नहीं जानता है। और यकीनन नीला के दिलो दिमाग की सच्चाई अदालत और हवालात में मालूम नहीं की जा सकती। ठीक है मिस्टर राजेश, डोंट गेट एक्साइटेड। पुलिस का ये फर्ज है कि जिस तरह भी हो, जहां से भी हो, सच्चाई को ढूंढ निकाले। पुलिस बेकसूर लोगों की जिंदगी से खेलती नहीं, बल्कि उसे बचाती है। और सच्चाई की खातिर कानूनी तौर पर ही नहीं, इंसानी फर्ज समझकर भी मैं आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर, गुड लक। डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। चलिए। डॉक्टर साहब, आपकी मेडिकल रिपोर्ट पर अच्छी तरह गौर करने के बाद ऐसा महसूस होता है कि नीला की बीमारी अकेलेपन और प्यार के सदमे की वजह से है। यू आर परफेक्ट योर लाइन मिस्टर राजेश, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जिंदगी से उसे उम्मीद दिलानी होगी, उसके अकेलेपन को भुलाना होगा और प्यार से उसके दिल के सदमे को दूर करना होगा। ये तो अजीब प्रिस्क्रिप्शन है। जैसा पेशेंट वैसा ही प्रिस्क्रिप्शन।
और मिस्टर राजेश, डिफेंस काउंसिल की हैसियत से सिर्फ तुम्हें को उससे मिलने और बात करने की आजादी है। इस मामले में मैं कमिश्नर साहब से बात भी कर चुका हूँ, क्यों इंस्पेक्टर साहब? यस मिस्टर राजेश, यस यस आई नो आई नो। और सुनिए मिस्टर राजेश, सुनिए, अब तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके अपने हो, उसके साथी हो और उसे प्यार करते हो। What do you mean? मेरा मतलब प्यार से नहीं, प्यार के नाटक से। All right, I'll come again. Thank you, doctor. आइए इंस्पेक्टर साहब। मगर लगता है कुछ ऐसा मिल गया, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। चुप है वो होंठों की बात, चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, ये मौसम ये रात चुप है वो होंठों की बात, चुप है खामोशी सुनाने लगी है दास्तां, नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हम जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हम
क्या कर रही हो नीला? क्यों आपने मुझे फिर से बचाया? क्यों आप मेरे रास्ते में आए? मुझ जैसी लड़की को जीने का कोई हक नहीं, छोड़ दीजिए। तुम्हें जीने का पूरा हक है, जिंदगी जिंदा रहने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन मेरी जिंदगी में जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? जिंदगी में जहाँ एक तरफ दुख, तकलीफ और परेशानी है, वहाँ दूसरी तरफ खुशी है, मुस्कुराहट है, उमंग है, प्यार है। लेकिन आप ये सब क्यों समझा रहे मुझे? क्यों है आपको मुझसे इतनी हमदर्दी? हमदर्दी नहीं, प्यार कहो नीला, प्यार। शायद तुम मेरा यकीन न करो, हंस तो मेरी बात पे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। प्यार? हाँ नीला, उसी रोज जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपना बना के रखूंगा, इसीलिए सबसे छुपाकर दुनिया से दूर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। बोलो नीला, बोलो, क्या मेरा प्यार? प्यार झूठ है, प्यार धोखा है जो बर्बाद कर देता है। मुझे बर्बाद होना मंजूर है? प्यार नाटक है जिसमें रोना पड़ता है। मुझे रोना भी मंजूर है। प्यार जहर है। तुम्हारे लिए मैंने वो जहर भी पी लिया है। ऐसा न कहिए। जिस दिन आपको मेरी बीती हुई जिंदगी की असलियत मालूम होगी, आप मुझसे नफरत करने लगेंगे। तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से मुझे कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। और नहीं, नहीं। मैं आपके प्यार के काबिल नहीं, मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। खोचर ताला बंद। ये क्या लिखा रखा भाई? लोग इसको जरा पढ़ो तो। पढ़ो पढ़ो। सेठ लोगों माफ करो, बाहर गांव जा रहा हूँ, 8 दिन बाद आकर कर्जा चुकाऊंगा, आपका सीआईडी। ये कोई लिखो है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डीएल जूली, ताला देखकर मत घबराना, पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। बेईमान का बच्चा, बदमाश किधर का, अंदर छुप के बैठेला है और हम लोग महीनों से कर्जे के लिए उसके दरवाजे पर आते हैं और हमको उल्लू बनाता है। चलो चलो, हम सब मिलकर ताला तोड़ दें। चलो 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 चलो। कोई कौन हो तुम? क्या बात है? अरे पन चुन्नी लाल किधर छुपेला है? अरे मैं तो कहीं के भी नहीं रही, कल मुझे यहाँ छोड़ कर गया, बोला लौट में ही शादी करूंगा, अभी तक लौटा ही नहीं, मैं क्या करूँ? अरे राम 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 राम, ऐसा शरीफ छोकरी लोग को धोखा देता है? ऐसा बदमाश आदमी को पुलिस में देना चाहिए। अरे नहीं माता श्री, मैंने माफ करो, कुछ हम चलेगा। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ मैं जाऊँ। क्या बात है? आप लोग इधर काय को भीड़ लगाया? सीआईडी चुन्नीलाल कहाँ है? लेकिन तुम कौन है? हम हैं मिस जूली, उसका फियांसी, हमारा उसका शादी होने वाला है। लो सुनो, अच्छा तमाशा है, इस बिचारी से भी वादा किया और तुम्हारे से भी। तुमसे शादी का वादा किया? हाँ देवी की, महादेवी की, उसने जलेब की कसम खाई और कहा, अरे पूछो तो सही कि क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा शादी होगी, घर बसेगा, बच्चे होंगे, मुझे क्या होगा? कितना झूठा आदमी, अरे उसका शक्ल भी नहीं देखा। नहीं देवी जी, रानी जी, महारानी जी, मैं तुम्हारी सौत नहीं बल्कि दासी बन के रहूंगी, बस। अच्छा हुआ बच गई, नहीं तो शादी के बाद डाइवोर्स करना पड़ता। छोड़ दो मुझे। नहीं देवी जी, रानी जी, ओह आप लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? दो औरतों का मामला है, हम लोग आपस में तय कर लेंगे, आप लोग कृपा करके पधारिए। बहुत अच्छा, हम लोग जाते हैं, कभी तो लौटेगा फिर हम उससे निपटेंगे। चलो चलो चलो, आ जाएगा बेईमान। हम भी जाता है। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो जिंदगी भर मेरी ही रहोगी, शादी तो मुझसे होगी ना। मैं, अरे देखो ना, इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुदरत का कानून तोड़ दिया, आदमी से औरत बन गया। ये तुम्हारा तुम दोनों में से जिसकी शादी पहले उसके साथ हो जाए
तो हमारा कर्जा चुका देना हो, क्योंकि माल तो औरत के पास रहता है ना। चुका देंगे चुका देंगे, पहले शादी तो होने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, डार्लिंग एक खुशखबरी सुनो, जीआईपी को केस मिल गया है, सीआईडी मुंशी और तुम टाइपराइटर। लिपस्टिक छोड़ो, मैं जल्दी से तैयार होकर आता हूँ, केस टाइप करने जाना है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। कहाँ सुना आपने गीत? जहाँ तुमने सुना। रात को भी आप यही गीत गा रहे थे, क्यों गाया करते हैं आप इसे? इसलिए कि तुम इसे पसंद करती हो। नहीं, क्यों परेशान करते हैं आप मुझे, क्यों पागल बनाना चाहते हैं? कौन बनाता है पागल, ये गीत, मेरी आवाज या मैं? सब कुछ, आप भी। मैं भी। मुझे इस तरह मत देखिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है जाता हूं, लेकिन ये एक नाचीज तोहफा तुम्हारे लिए है। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन इसे तुम्हारी जरूरत है, इन फूलों में देने वाले के दिल का प्यार छुपा है, कम से कम एक एक फूल ही कबूल हो। मैं पूछती हूँ, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, कौन है आप? आप ये फूल देखती हैं, इनके पास कौन आता है? भंवरा, मुझे भंवरा समझ लीजिए। मैं कहती हूँ फोन चले जाइए यहाँ से। जाइए ना। जहां के बाग में तुम सा ना कोई फूल, जब लगाया है तो लगा रहने को मिला। आप क्यों आए इस तरह छिपकर? तुमने क्या कबूल किया मेरा प्यार इस तरह छिपकर? जो बात मैं सोच भी नहीं सकती उसका जिक्र क्यों करते हैं आप? जो बात तुम कबूल नहीं करती हो वही तुम्हारे दिल में गूंज रही है, तुम्हारी नस नस पुकार रही है, राजेश राजेश राजेश। ये देखो, दिल की बात जबान पर आ ही गई ना। शुक्रिया। आखिर आप चाहते क्या है? प्यार का इकरार। इसी तरह आपने न जाने कितनी लड़कियों को फूलों के जरिए मोहब्बत नामे भेजे होंगे। मैंने? हाँ, न जाने किस किस से प्यार के वादे किए होंगे। सच बताऊं या झूठ? झूठ क्यों, सच बताइए ना। है एक लड़की हसीन नाजनीन महाजबीन जो मेरे दिलो दिमाग में रहती है। अच्छा, मैं उसके लिए आसमान के तारे भी तोड़ ला सकता हूँ। क्या चाहते हैं उसे आप? जान भी दे सकता हूँ उसके एक इशारे पर। कौन है वो? नाम बताऊं या सूरत दिखाऊं? नाम भी बताइए, सूरत भी दिखाइए। आओ देखो, चाय हाजिर। आप किस विचार में डूब गए? सोचती हूँ कि जब आपको मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में मालूम होगा तो शायद। नीला, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मुझे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी से कोई वास्ता नहीं, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हम दोनों इसी तरह, देखो मेरी तरफ, हमेशा साथ रहे। आओ मेरे साथ।
बैठ जा और भूल जा सब कुछ। लो चाय पी। मैं नहीं पीऊंगी। मैं पी नहीं। ना पीजिए, मुझे क्या नफरत दिखाते हैं। यह बात अच्छी बात है। लड़कियां हर बात लड़कों को सताती हैं। खैर सतालो जितना जी चाहो, मैंने भी फैसला कर लिया है कि अगले जन्म में लड़की बनूंगा। क्या लड़की बनेंगे आप? मैं भगवान के सामने डिक्लेरेशन पेश करूंगा, पेटिशन पेश करूंगा, एप्लीकेशन पेश करूंगा कि मुझे लड़की बनाए या तुम्हें लड़का। मुझे लड़का? फिर जितना तुम मुझे सताती हो तो मैं तो सताऊंगा। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि मैं भगवान से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हूँ कि हर जन्म में मुझे लड़की बनाए और आपको लड़का। बेड़ा ही गर्क हो गया। यानी कि हर जन्म में तुम्हारे लिए मुझे यूं ही तड़पना होगा, मुसीबतें सहनी होंगी, परेशानियां उठानी पड़ेंगी। किसने कहा आपसे कि आप तड़पें, परेशान हो या मुसीबतें उठाएं? बताओ। सूरत तेरी दिखा के कहूंगा ये रोज़े हश्र, ना आंखों का कुछ गुनाह था ना दिल का कसूर था। हेलो कमिश्नर बाबा, दिस इज राजेश स्पीकिंग। मैं आपको खुद ही फोन करने वाला था कि मुझे थोड़ी सी मोहलत और चाहिए। नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल मिस्टर राजेश, यू मस्ट अंडरस्टैंड माय रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन सर ये एक मामूली केस नहीं है, ये एक मासूम लड़की की जिंदगी का सवाल है और मैं उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं नहीं, और वक्त नहीं दिया जा सकता। आखिर कब तक केस को पेंडिंग रखा जा सकता है? मेरा मतलब है कि उसकी हालत ठीक होने पर असलियत का पता जरूर लग जाएगा। जी अच्छा, तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बताऊंगा। बस मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। दिस इज माई लास्ट रिक्वेस्ट सर। अच्छा मैं एक दिन आपको और देता हूं, बस। थैंक यू। तुम तो बहुत रईस लड़की हो नीला, सिर्फ शोहरत ही नहीं बल्कि बहुत दौलत भी है तुम्हारे पास। पहली तारीख को 5,000, 8 तारीख को 6,000, 21 तारीख को 10,000। पैसा पैसा पैसा, आपको नहीं मालूम पैसा आदमी का कितना बड़ा दुश्मन होता है। समझ में नहीं आता आज खुश हूं या पहले खुश थी। पहले रास्तों पर भटकती थी पर आजाद थी, आज इतना नाम है पैसा है पर कैद में हूं। इसका क्या मतलब है? मेरी डायरी, मेरी बीती हुई जिंदगी। आई एम सॉरी, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। यही कि मुझे वो जिंदगी, वो माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। वाह, इतना नाम इतना पैसा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता। आप भी जरूर सोचते। गरीबी की आजादी बहुत अच्छी होती है, अमीरी की खैद में आदमी खत्म हो जाता है। लेकिन गरीबी की आजादी छोड़कर दिल में उमंग और उम्मीदें लिए मैंने बेनी प्रसाद जी के साथ एक नई दुनिया में कदम रखा। आओ मेरे साथ। क्या आप डायरेक्टर साहब से कुछ रिश्तेदार हैं जी? आइए सर, ये है वो लड़की जिसके बारे में मैंने अभी आपसे जिक्र किया। अब मेरा ख्याल है कि हमारी टीम में जो कमी है अब बिल्कुल पूरी हो जाए। मैंने आपके फैसले में कभी दखल नहीं दिया बेनी प्रसाद जी। आप डायरेक्टर हैं, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ये लड़की। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। मैंने जब कभी भी स्टेज पर किसी लड़की को पेश किया है उसने नाम पाया, इज्जत पाई है, शोहरत पाई है, और फिर इस लड़की में कमी ही क्या है? आपको अंग्रेजी नहीं आती? यानी पढ़े लिखे नहीं है, किसी गरीब घर की मालूम होती हो? मैं जब तुम्हें पहली मर्तबा यहाँ लाया था तो तुम्हारी हालत इससे भी बुरी थी। बेकार वक्त मत जाया करो मास्टर जी,
रिहर्सल शुरू करो। वन टू चा वन टू चा वन टू चा वन टू चा वन। वेरी गुड वेरी गुड। Hey!
मैडम। वाह नीला वाह, आज बच्चे बच्चे की जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। जिसे देखो वही तुम्हारी तारीफ कर रहा है। स्टेज की दुनिया में तो तुमने तहलका मचा दिया। मैं जो कुछ भी हूँ, जिस काबिल भी हूँ, वो बेनी प्रसाद जी की वजह से हूँ। नीला मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। ये लो 15,000 रुपए का चेक। अरे आप इसी तरह हजारों रुपए दे दिया करते हैं। सब कुछ तो है, मकान, जेवर, कपड़े, नौकर चाकर, भला मैं क्या करूंगी इतने रुपयों का। सच पूछिए तो ये रुपए बेनी प्रसाद जी को मिलने चाहिए। इन्हें तनख्वाह मिलती है, कंपनी में पार्टनरशिप भी है, और भला ये तुम्हारे हक के रुपये क्यों लेने लगे? आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं नीला, रुपए किस्मत से मिलते हैं, ले लो, वक्त पे वक्त काम आएंगे। मेरे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। लाइए सेठ जी, लाइए, ये ले नीला, ये ले। चलिए सेठ जी, चलिए। किस्मत ने साथ दिया और कुछ ही दिनों में शोहरत, इज्जत, दौलत मेरे कदम चूमने लगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हूँ, और सब कुछ होते हुए भी अपने ही ऊपर अपना अधिकार नहीं है। कल सुबह चंद प्रेस रिपोर्टर और फोटोग्राफर आएंगे, उसके बाद तुम्हारा डांस डायरेक्टर, फिर तुम्हारा म्यूजिक टीचर, 1 बजे लंच, वहाँ तुम्हारा होना निहायत जरूरी है। चंद बड़े बड़े लोग आएंगे, उनसे बिजनेस की बातें होंगी। 3 बजे रिहर्सल, और शाम को 7 बजे एज यूजुअल तुम्हारा स्टेज का ड्रामा, समझे? अब देर बहुत हो गई है, आराम करो, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। काम काम काम, काम की सिवा दुनिया में और कुछ नहीं है क्या? रामू। यस मैडम, आई एम समझ गए। डिनर रेडी है। जो बाहर का दरवाजा बंद कर दो, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। डेली डेली ऐसा ना ही खाइले से तुम्हार तबीयत बिगड़ जाए। क्या करूं, मैं तो एक मशीन हूँ। मैडम प्लीज 1 मिनट, एक बुढ़िया आई रहल, ओके हम निकाल देली। लो कह के दे गए, कहत रह तुम्हार खातिर बहुत रोवा था। माँ, रामू, रामू ये तूने क्या किया? जिन्हें तूने निकाल दिया वो मेरी माँ थी। हाय दैया, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई। मैडम हमका माफ कर दो। तुम्हें कुछ बताया कि वो कहाँ ठहरी है? यस मैडम, कहत रह यही गाड़ी से गाँव लौट जाए। माँ गाँव लौट गई, मुझसे मिले भी ना। मैं माँ से मिलने गाँव जाऊंगी, तुम किसी से कहना नहीं। रामू, रामू। यस मैडम, समझ गए। चलो। इधर से जा रहा था, सोचा कि रेसर के लिए तुम्हें भी साथ ले चलूं। अरे ये कहाँ की तैयारी? मैं गाँव जा रही हूँ। मैडम कहले रहली केहू के ना ही कहे क्या? जाओ ये सामान अंदर रख दो। यस, एहू समझ गई ली। ये गांव जाने का प्रोग्राम किसने बनाया? आपको नहीं मालूम सेठ जी, कल मेरी माँ आई थी, लेकिन वो मुझसे बिना मिले ही वापस चली गई। वो काफी समझदार है, इसीलिए वापस चली गई। उन्हें मालूम है कि आज तुम्हारी हैसियत तो इज्जत क्या है। ऐसी दौलत, शोहरत, इज्जत किस काम की जो माँ बेटी को जुदा कर दे, खून का रिश्ता तोड़ दे, मन का सुख और चैन छीन ले। इस दुनिया का रिवाज ही ऐसा है, यहाँ तो सारा खेल पैसे का है। जब आदमी के पास पैसा हो जाता है तो ना जाने कहाँ कहाँ से रिश्तेदार बनकर आ जाते हैं। पैसे के लालच में रिश्तेदार बनने वालों की नहीं, मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ, और मैं फैसला कर चुकी हूँ उनसे मिलने जरूर जाऊंगी। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता नीला, तुम्हें याद रखना चाहिए कि एग्रीमेंट की तीसरी शर्त के मुताबिक तुम काम छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा सकती। मैं जाता हूँ, रिहर्सल के लिए अपनी कार में आ जाना। पिंजरे में पड़े पंछी की तरह मैं भी एक सोने के पिंजरे में कैद थी, लाचार, बेबस, बेसहारा, दूसरे की मुट्ठी का खिलौना। लेकिन मेरे धीरज का बांध टूट चुका था और मेरा दिल बगावत करने पर आमादा हो गया था। नीला, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। 1 महीने के लिए तुम्हारे टूर का इंतजाम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, एडवांस ले लिया है। वापस कर दीजिए एडवांस, कैंसिल कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, मैं कहीं टूर उड़ नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो नीला? ठीक ही कह रही हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मशीन नहीं कि चाबी घुमाए और चल पड़ी। आपने कभी ये भी सोचा है कि मेरे भी दिल है, अरमान है, बहन है, माँ है? मैंने कभी सोचा भी ना था कि तुम इतनी बदल जाओगी। शायद तुम्हें पैसे का घमंड हो गया, क्योंकि सारा पैसा तुम्हारे नाम पे है। अगर यही पैसा मेरे नाम पे होता
تو آج تم میری مخالفت نہ کرتے بلکہ میرے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچتے نہیں نہیں اس قید میں میں گھٹی جا رہی ہوں اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں کسی کی بندش نہیں چاہتی آپ کی بھی نہیں ایسا نہ سوچو نیلا تم آج بھی آزاد ہو جہاں تک میرا سوال ہے میں نے جو وعدہ تم سے اور تمہاری ماں سے کیا تھا اس کی نبھانے کی پوری کوشش کی ہے آج تمہارے پاس سب کچھ ہے آج تم خود مختار ہو اب شاید تمہیں میری ضرورت نہیں خیر جہاں بھی رہو سکھی رہو یہ میرا آشیرواد ہے نیلا کچھ اچھے موڈ میں نہیں آپ فکر مت کیجیے ونڈرفل بیوٹیفل گریسفل جواب نہیں نیلا تمہارا تمہاری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے یہ تو تمہاری مہربانی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کام کرنا منظور کیا اور ایک ہی ڈرامے سے میری قسمت چمک اٹھی کیوں کیا بات ہے خاموش کیوں کچھ نہیں یوں ہی ذرا بینی پرسا جی سے بحث ہو گئی ارے چھوڑو ہم دونوں ایک ہیں اور کسی کی بات سوچنی ملنی چاہیے نیلا تم میرے لیے کتنی لکی ثابت ہوئی آج لوگ تمہارے ساتھ میرا بھی نام لیتے ہیں آ بیٹھو لیکن سمجھ میں نہیں آتا میرے دل کے ارمان پورے ہو سکیں گے کہ نہیں یہ اسٹیج کے ناٹک کا ملن زندگی میں حقیقت بن سکے گا کہ نہیں دیکھو نیلا اگر تم نے دنیا کے ڈر سے مجھے ٹھکرا دیا تو میرا پیار جلس کر خاک ہو جائے گا میرا دل ٹوٹ جائے گا نیلا تم مجھے ٹھکرا تو نہیں دو گے بولو نیلا تم مجھے دھکا دے کر گرا تو نہیں دو گے کہیں لگی تو نہیں نہیں تو لیکن تمہیں نے گرایا ہے اب تمہیں اٹھاؤ دو سارا دو مشکل ہو گئی نیلا اس کے بعد کیا ہوا نہیں نہیں آپ نے تو وعدہ کیا تھا میری زندگی کی پچھلی باتوں کو کبھی نہ پوچھیں گے میں کبھی نہ پوچھتا لیکن آج وہی باتیں تمہارے سامنے دیوار بن کے کھڑی اگر تم نے اس دیوار کو نہ توڑا تو تم کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکو گی نہ کسی اور سے اور نہ مجھ سے اسی لیے میں وہ سب کچھ بھول جانا چاہتی ہوں بلکہ اسی لیے تمہیں بتانا چاہوں جو کچھ تم بھلانا چاہتی ہو وہی سب کچھ تم قید کیے ہوئے اور تم اس قید سے آزاد ہونا چاہیے اس گھر سے چھوٹنا چاہیے راجیش بابو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا میری گزری ہوئی زندگی میرے لیے کلنک ہے اس میں بہت سے کالے داغ ہیں ہر ایک کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی داغ ضرور ہوتا ہے چاند میں بھی ہے لیکن وہ تو چھپاتا نہیں مت چھپاؤ نیلا میری بات کا جواب دو آگے کیا ہوا رنجن کون تھا اس سے تمہارا کیا تعلق تھا اب میں سمجھی آپ کیوں میری پچھلی زندگی کی باتیں جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بھی میرے ساتھ پیار کا ناٹک کرنا چاہتے ہیں مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہیں سب کچھ بتا نہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی تمہیں سب کچھ بتانا ہوگا ہرگز نہیں تمہیں سب کچھ بتانا ہوگا نہیں چھوڑ دو نیلا جو ہاتھ تم پہ اٹھ سکتا ہے اسے سزا ملنی ہی چاہیے نہیں نہیں یہ کیا پاگلپن ہے نہیں نیلا میں نے تمہیں بہت دکھ پہنچایا ہے میں بہت برا آدمی ہوں میں راجیش بابو
जिंदा रहने का कोई हक नहीं। आप ही ने तो कहा था जिंदगी जिंदा रहने के लिए होती है, मिट्टी में मिलाने के लिए नहीं। याद है ना आपको, उस दिन इसी जगह आपने मुझसे कहा था, जिंदगी में जहाँ एक तरफ दुख तकलीफ और परेशानी है, वहाँ दूसरी तरफ खुशी है, मुस्कुराहट है, उमंग है, प्यार है। मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, और तुम भी। मैंने भी पत्थर की खूबसूरत मूर्ति से प्यार किया है। आप क्यों मेरे मुंह से कहलाना चाहते हैं कि मैं आपको आपको प्यार करती हूँ? झूठ नीला, अगर तुम्हें सचमुच मुझसे प्यार होता तो तुम मुझसे कुछ नशी बात, गुजरी हुई बातों की दीवार तोड़कर कब से मेरे करीब आ गई होती। अगर इसी तरह आप मेरे प्यार का यकीन करेंगे तो मैं सब कुछ कहने के लिए, सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। उस दिन लहरों की तरह मेरा दिल भी बेचैन था, नई जिंदगी की जंजीरों में जकड़ी हुई मैं आजादी के लिए तड़प रही थी। एक सहारा थे बेनी प्रसाद जी, लेकिन वो भी छोड़कर चले गए थे। दुनिया मेरे लिए अंधेरी थी, जी चाहता था कि जिंदगी को ही खत्म कर दूं, लेकिन उसी वक्त रंजन ने आकर मुझे तसल्ली दी, धीरज बंधाया और वादा किया कि उस खास से छुड़ाकर मुझे कहीं दूर ले जाएगा। और उस रात मैं बेसब्री से रंजन का इंतजार कर रही थी। रुकावट ना बन जाए। नीला, अब दुनिया की कोई ताकत तुमसे मिलने में मेरे सामने रुकावट नहीं बन सकती। रंजन, मगर एक ही बात सोचता हूँ कि मैं गरीब हूँ और तुम अमीर हो। फिर वही मैं कहती हूँ, जहाँ प्यार है वहाँ गरीबी अमीरी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन प्यार गरीबी की आग में जल के राख हो जाता है। मेरे पास जो धन दौलत है वो सब तुम्हारी है। सच? मगर समाज और दुनिया वालों की नजरों में तो मैं गरीब ही इंसान रहूंगा। रंजन, तो ऐसा करो, तुम सब कुछ अपने नाम कर लो। नीला, तुम ठीक कहती हो, दुनिया का मुंह बंद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो,
तुम इस कागज पर दस्तखत कर दो। लेकिन मैं रंजन, इस कागज पर दस्तखत करा लाओ तो मैं 10,000 रुपए मिलेगा। नहीं नहीं लीला, मैं तुम्हें इस पर दस्तखत नहीं करने दूंगा। थोड़े से लालच के लिए महर्गज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम अपने भोलेपन और नादानी में सब कुछ गंवाकर रास्ते के भिखारन बन जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो रंजन, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं नीला। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैंने तुम्हें जानबूझकर धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे साथ प्यार नहीं बल्कि प्यार का नाटक किया है, लेकिन ये सब कुछ किसी मजबूरी की वजह से। आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुम क्यों मेरे दिल से खेले, क्यों मेरे प्यार की बेइज्जती? तुम इंसान नहीं शैतान हो। मैं शैतान बन गया था नीला, लेकिन शायद मेरे दिल के किसी कोने में थोड़ी सी इंसानियत बाकी थी, इसलिए जब तुमने मुझ पर यकीन कर लिया तो मुझसे रहा नहीं गया। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरे झूठ का सहारा लेने की कोशिश मत कर। आज तुमने मुझे धोखा दिया है, कल किसी दूसरी लड़की को भी तबाह करोगे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। ये क्या कर रही हो? ये पिस्तौल है, खिलौना नहीं। मेरी जिंदगी खिलौना था, मेरा दिल खिलौना था, मेरा प्यार खिलौना था। नहीं नीला, ऐसा मत कहो। थोड़े से पैसों के लालच में कागज पर दस्तखत कराने के लिए खिलौना तो मैं बन गया था किसी के हाथ में, जिसे तुम भी जानती हो। कौन है? क्या नाम है? बता रंजन, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा। रंजन, रंजन, नहीं नहीं, मैं ये क्या कर रही? रंजन, मैं ऐसे नहीं हो सकता। रंजन कुछ बोलो, रंजन, रंजन, रंजन। क्या किया नीला, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों नीला, क्यों, क्यों तुमने फोन किया? क्यों, क्यों उसके फोन से हाथ लगाया? तो खून नहीं करना। नहीं नीला, तुमने खून किया है, तुम खूनी हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं बताना चाहते थे राजेश। पुलिस हेडक्वार्टर्स, मिस्टर वर्मा प्लीज। यस यस, मिस्टर वर्मा, कमिश्नर वर्मा स्पीकिंग। हेलो मिस्टर राजेश। ये क्या हो गया राजेश तुम्हें? हंस गए नीला की मोहब्बत में? जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, वो मेरी गलती थी। लेकिन जानती नीला, उस गलती से एक सच्चाई जाहिर हुई है, और वो ये कि मेरा और तुम्हारा रास्ता एक है। जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसमें मेरा हक है, वो सिर्फ तुम हो नीला, तुम। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से, इस माहौल से, इन हालात से कहीं दूर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे गुनाह का ख्याल आपको हमेशा तड़पाता है। नहीं नीला, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तो जो मैं कहूँगा ही तुम्हें सुनना होगा। नीला, नाराज हो मुझसे? मेरे साथ आने का पछतावा है क्या? यह खामोशी मुझे तड़पाती है। अगर ये नहीं कह सकती कि तुम्हें मुझसे प्यार है, तो कम से कम यही कहो कि नफरत है। लेकिन कुछ कहो तो सही। क्या कहूं, क्या करूं? मुझे तो आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। मत सोचो आगे क्या है, क्या होने वाला है। हर एक की जिंदगी में कभी ना कभी प्यार की उमंग भरी दीवानगी का एक छोटा सा लम्हा जरूर आता है। आज तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, तो यही लम्हा मेरी सारी जिंदगी है।
मुझे जी लेने दो। आज मैं कितनी खुश हूं, ऐसा मालूम होता है जिसके लिए मैं भटक रही थी वो मेरी खोई हुई आत्मा मुझे मिल गई। और मुझे भी, जानती हूं नीला, हमेशा मेरे दिल की गहराइयों से यही आवाज उठा करती थी, अकेला हूं मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। आज मैंने तुम्हें पा लिया तो मुझे मेरा साथी मिल गया। लेकिन सोच लीजिए, साया कभी जुदा नहीं होता। मैं भी तुम्हें कभी जुदा नहीं होने दूंगा। काश ये दुनिया इसी वक्त जहां है वहीं रुक जाए और हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग न कर सके। ऐसा मालूम होता है जैसे हजारों साल से नींद नहीं आई। सो जाओ मीरा, सो जाओ। जो इजाजत हो तो एक बात कहूँ, जो इजाजत हो तो एक बात कहूँ, सुनो सुनो जाने मन, कहो कहो जाने मन, सुनो ना मैं भी कुछ प्यार के हालात कहूँ, सुनो सुनो जाने मन, कहो कहो जाने मन, जो इजाजत हो तो एक बात कहूँ, कहो जाने मन। मोहब्बत का दीवानापन, जो इजाजत हो, जो इजाजत हो तो एक बात कहो, सुनो सुनो जाने मन, कहो कहो जाने मन। दिल गया सनम मेरा, दिल गया, मिल गया मुझको तो सारा जहां मिल गया, ओ दिल गया तेरी चाहत में सनम मेरा, दिल गया, मिल गया मुझको तो सारा जहां मिल गया। तो नजर क्यों है झुकी, इसे क्या कहते हैं जी, मैं भी कुछ प्यार के हालात कहूँ, सुनो सुनो जाने मन,
सकता। मोहब्बत का दीवानापन जो इजाजत हो, जो इजाजत हो तो एक बात कहो, सुन सुन जाने मन, कहो कहो जाने मन, मैं भी कुछ प्यार के हालात कहूँ, सुन सुन जाने मन। बट सर, ये तो कोई शादीशुदा जोड़ा मालूम होता है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, क्या आपने इसी तरह की कोई दूसरी जीप गाड़ी इधर से जाते हुए देखी? दरअसल हम लोग कुछ स्मगलर्स का पीछा कर रहे हैं जो इसी तरह की जीप गाड़ी में भागे हैं। कहां तक भागेंगे? कानून के लंबे हाथों से कोई मुजरिम हमेशा के लिए नहीं बच सकता। खैर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप जा सकते। कानून के लंबे हाथों से कोई मुझे हमेशा के लिए नहीं बचा। कानून के लंबे हाथों से कोई मुझे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। कानून के लंबे हाथों से कोई मुझे हमेशा के लिए नहीं बच सकता। राजेश, क्या बात है? तुम खामोश क्यों हो? राजेश, राजेश वापस कहाँ जा रहे हो? जहां से तुम्हें लाया था। क्या आपने खुशी की झलक इसलिए दिखलाई थी कि गम के अंधेरे में भटकना पड़े? आपने जो प्यार के वादे किए थे सब झूठ थे, वो सब फरेब था। राजेश, ठीक है, मैं खुद ही आपके रास्ते से हटी जाती हूँ। सुनो, सच्चाई यह है कि मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा,
लेकिन इससे भी बड़ी सच्चाई ये है कि तुम मेरी हो नहीं सकती हो, इसलिए कि तुम पर मुझसे ज्यादा कानून का हक हो चुका है। अरे किसने चिलमन से मारा, हाय किसने चिलमन से मारा, अरे नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा, नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। बिखेरे बाल जब वो, बिखेरे बाल जब वो, बिखेरे बाल जब वो आसमानों पर घटा झूमे, चले जब, चले जब हाय चले जब नाज से जालिम, कयामत भी कदम चूमे, कयामत भी कदम चूमे। चमकत लटकत जाए, चमकत लटकत जाए, चमकत लटकत जाए, फिर ना देखा, फिर ना देखा, ना देखा, ना देखा, ना देखा, अरे फिर ना देखा पलट के दोबारा मुझे, फिर ना देखा पलट के दोबारा मुझे किसने चिलमन से, हाय किसने चिलमन से मारा। सीने में दिल है दिल में दाग, दागों में सोजो साद इश्क, सीने में दिल है अहबा, सीने में दिल है दिल में दाग, दागों में सोजो साद इश्क, पर्दा पपर्दा है पिन्हा, पर्दा नशी का राज इश्क, पर्दा पपर्दा अहबा, पर्दा पपर्दा वाह वाह, पर्दा पपर्दा अरे मौला, पर्दा पपर्दा है पिन्हा, पर्दा नशी का राज इश्क। जतन मिलन का तब करूं नाम पता जब हो, एक झलक बस एक झलक दिखला के कर गई पागल मोय, कर गई पागल मोय, कर गई पागल मोय, कर गई पागल मोय। मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल, अरे मेरे दिल ने तड़प कर, हाय मेरे दिल ने किसने चिलमन से मारा, नजारा मुझे किसने चिलमन से मारा। हाँ सरकार, किस्मत को रो रहा हूँ, न जाने रानी माँ कब आएंगी, कब पेट भर खाना मिलेगा। तुम रोज यहाँ आते? हाँ सरकार, बिना नागा। आओ। मगर राजा हाँ? वो लाल परी बिजली आई, मगर तीजस चली कहाँ गई? ये भंका ना सा ना ही तो चला जाई, हवा बताई था, हवा हवा, ये खुर्दे का हवा, चलो तुझे खाना आगा पीछे, हवा हवा।
तू तो बहुत उमदा नाचा था, आज तो भांग में मजा आएगा, तबियत फड़क उठा, लो लो दोनों आदमी बांट लो। एक रुपया जान पड़ा तो बहुत करकी में हो। कड़की? अच्छा थोड़े दिन में आ जाइए, तब हम दिखाए अपन रईसी। हाँ लॉटरी का टिकट लिए हो का? नहीं लॉटरी नहीं, मुकदमे का फैसला हो जाए तब हमारे मालिक दिए ढेर सा इतना सा। मालिक? हाँ। तो मालिक का ऊपर वाला? नहीं नहीं हमारे मालिक। तोहरा मालिक? हाँ। चली तो बराबर है ना? चकाचक चकाचक। मालिक का नाम पता? नाम पता? हाँ। अरे नाम पता? अरे दादा नशे में कहा बढ़वा दे थे। तो नाम पता पूछा था? बदमाश है। नहीं नहीं भगेलू। रामू। राम राम मालिक। ये क्या लगा रखा है? तुम्हें यहाँ की निगरानी के लिए रखा है, हजार दफे समझाए कि यहाँ किसी को मान दो। गलती हो गई मालिक, अब की माफ कर दिया जाए, अब कबहू ना ऐसे हो मालिक। कहो कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सिर्फ सच कहूंगा। मैं गीता को सामने गीता पर हाथ रखो। हाँ। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सिर्फ सच कहूंगा। गालू, तुम नीला देवी को कैसे जानते हो? रानी माँ, उन्हें कैसे नहीं जानूंगा सरकार, वो देवी हैं, दयालु हैं, उनके घर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। हाँ, 13 जुलाई की रात को जोर की बारिश और तूफान में भी तुम वहां गए थे? न जाता तो पेट कैसे भरता सरकार, लेकिन उस दिन सचमुच पेट नहीं भरा, तब से ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म का भूखा हूं। उस दिन रानी मां ने तुम्हें खाना क्यों नहीं दिया? जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वहां झगड़ा होने की आवाजें आ रही थी, मैंने रानी माँ को आवाज देना चाहा, उसी वक्त अंदर से धाए धाए दो गोलियां चलने की आवाज आई। सच्चाई में अदालत के सामने जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, गवाह के बयान से साबित होता है कि मौका वारदात में उस पर दो गोलियां चली, चुनाचे वहां का दूसरा शख्स भी मौजूद था, लिहाजा मेरा दावा है कि असली मुजरिम वही है। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने एक बेबुनियाद दलील पेश की है, उन्हें मालूम होना चाहिए उस वक्त मुलजिमा के सर पर शैतान सवार था, और ऐसी हालत में दो गोलियां तो क्या, पूरी रिवॉल्वर भी खाली कर देना उसके लिए नामुमकिन नहीं। मेरे काबिल दोस्त गवाह का पूरा बयान सुनने से पहले ही परेशान हो रहे हैं योर ऑनर। कालू, उन दो गोलियों की आवाज सुनने के बाद तुमने क्या किया? क्या हुआ ये देखने के लिए मैं अंदर जाने लगा। गवाह झूठ बोल रहा है योर ऑनर, एक अंधा आदमी भला क्या देख सकता है। हाँ, सुन, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मुझसे कोई टकराया। कौन था वो, कौन टकराया, किसने तुम्हें धक्का दिया? मैं अंधा आदमी सरकार, मैं भला क्या जानूं कि वो कौन था। लेकिन मैं जानता हूं वो कौन था योर ऑनर। क्या ये मुमकिन नहीं कि वो आदमी वही अजनबी था जिसने वारदात की रात को पुलिस को फोन किया? क्या ये मुमकिन नहीं कि वही अजनबी असली खूनी था? योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, मेरा शक सबूत की शक्ल अख्तियार कर चुका है, और वो सबूत है ये गोली जो मुझे नीला के कमरे की दीवार से मिली। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट से साबित होता है कि ये गोली और वो गोली जिसने रंजन का खून किया एक ही पिस्तौल से नहीं निकली, लिहाजा मौके वारदात पर दो गोलियां चली जिनके चलाने वाले दो शख्स थे। That's all, Your Honor. The witness is yours, Mr. Singh. No, Your Honor. एक अंधे गवाह से सवाल करके मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहता। Your Honor. अगर ये गवाह अंधा है तो मैं ऐसे चश्मदीद गवाह को पेश कर सकता हूँ जो कि उस वक्त वहां मौजूद था जबकि रंजन साहब का खून हुआ, लेकिन उसकी बोली समझना जरा टेढ़ी खीर है।
अगर सरकारी वकील साहब उसकी दरबारी बोली समझ जाए तो असली खूनी फौरन पकड़ा जाए, गवाह हाजिर किया जाए। योर ऑनर, गवाह हाजिर है। कुत्ते को अदालत से बाहर किया जाए। सॉरी। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मुलजिमा को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो मैं उससे चंद सवाल करूँ। आप सवाल कर सकते हैं मिस्टर सिंह। नीला देवी, मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल करूंगा, जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिएगा। पहला सवाल, क्या आप मरहूम रंजन से मोहब्बत करती थी? हाँ। क्या मरहूम रंजन आपसे मोहब्बत करता था? नहीं। क्या आपने जानबूझकर सोच समझकर रंजन का खून किया था? हाँ। That's all, Your Honor. नीला, मैं गलत फहमी दूर करने आया हूँ। गलत फहमी तो उसी दिन दूर हो गई थी जब आपने मुझे धोखा दिया था। धोखा मैंने दिया या तुमने? तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं किस खानदान से हूँ, मेरी क्या इज्जत है, क्या काबिलियत है। भला मैं स्टेज की एक बदनाम लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता था? राजेश, मुझे कुछ भी कहिए लेकिन मोहब्बत के नाम पर दाग न लगाइए। तुम्हें मोहब्बत से क्या वास्ता? मोहब्बत तुम्हारे लिए खेल है, तफरीह का सामान। अच्छा हुआ तुम्हें ठीक वक्त पर समझ गया। नहीं नहीं, ये झूठ है। प्यार के नाम पे सबने मुझे को धोखा दिया, मेरे ही साथ खेल किया, सबने मुझे को ठुकराया। रहने दो अपना एक्ट। सच्चाई तो यह है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी से भी मोहब्बत करती रही, वरना जो लड़की अपनी मासूम बहन और बूढ़ी माँ को भुला सकती है, जो अपने प्रेमी रंजन का इससे खून कर सकती है। राजेश, तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचा सकता हूँ, इसलिए जानबूझ के तुमने मुझसे मोहब्बत का नाटक किया। तुम जैसी लड़की अपनी जिंदगी के लिए, अपने मतलब के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए किसी से भी मोहब्बत का सौदा कर सकती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार मैंने आपसे ही किया था और आज आप ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ हाँ, चलाओ गोली अगर हिम्मत है तो। इस तौर से डर के मैं सच्चाई को नहीं छोड़ सकता। नीला ने मुझ पर निशाना लगाया लेकिन गोली दीवार पर लगी ऊपर, हालांकि पिस्तौल नकली थी। नोट किया जाए कि नीला इतने तैश में भी, इरादा होते हुए भी इतने नजदीक से रिवॉल्वर का निशाना नहीं लगा सकती, तो डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 25 फुट की दूरी से रंजन किसकी गोली लगना कैसे मुमकिन हो सकता। ब्रेवो, ब्रेवो। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ने मुलजमा से मिलकर जो ड्रामा किया है उससे साफ जाहिर होता है कि कोर्ट में तो नहीं लेकिन स्टेज पर इन्हें जरूर कामयाबी हासिल होगी। अगर आप कोर्ट छोड़ के स्टेज में दाखिल हो जाएं तो आपकी शागिर्दगी करने में मुझे मुसर्रत हासिल। योर ऑनर, मैं दावे के साथ कहता हूं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस मैंने डिफेंस काउंसिल को यह मौका दिया था कि वो अदालत के सामने अपनी दलील को साबित करें। आगे की कार्यवाही कोर्ट रूम में होगी। लिहाजा मेरी दलील से साबित होता है कि नीला की पिस्तौल से निकली हुई गोली रंजन की मौत की जिम्मेदार हरगिज नहीं है। योर ऑनर एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, ये एक अहम मसला है। यहाँ एक तरफ इंसाफ है और दूसरी तरफ एक बेकसूर की जिंदगी। यहाँ आंखों में पट्टी बांधे, हाथ में तराजू लिए, पत्थर से बने हुए कानून के बुत का सवाल नहीं बल्कि एक इंसान की जिंदगी का सवाल है। योर ऑनर, आपके फैसले पर इंसानियत की अहमियत मुनहसर है। देखिए इस मासूम और बेबस लड़की की भोली सूरत, क्या यह गुनाहगार हो सकती है? देखिए इसकी बेवा मां की आंखों में लरसते हुए आंसू, क्या इसकी बेटी खूनी हो सकती है? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन अगर गलत सबूत और झूठे बयानों की बिना पर एक बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर दिया गया तो यह ना भूलना चाहिए कि कानून के नुमाइंदे खुद ही अपनी निगाहों में गुनाहगार हो जाएंगे, जिसका जवाब दुनिया की अदालत में नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले की अदालत में देना होगा। That's all, Your Honor. Your Honor, अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए मुझ पर और कानून के नुमाइंदों पर छींटाकशी करने वाले मेरे काबिल दोस्त से बतौर गवाह मैं चंद सवालात करने की इजाजत चाहता हूं। अपने ही गवाहों से नाउम्मीद होकर मेरे काबिल दोस्त नहायत परेशान हो उठे हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर शक किए बगैर उनकी तसल्ली और इत्मीनान के लिए मुझे विटनेस बॉक्स पे जाना मंजूर है। योर ऑनर।
मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सिर्फ सच कहूंगा। मिस्टर राजेश, क्या ये सच है कि मुकदमा शुरू होने से पहले शहर से दूर एक पुरानी कोठी में 8 दिन तक आप मुलजिमा से बिला नागा मिला करते थे? मैजिस्ट्रेट की इजाजत से, डॉक्टर की राय से और एक डिफेंस काउंसिल की हैसियत से मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, क्या यह सच है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए सरकारी डॉक्टर की राय से आपने मुलजिमा के साथ मोहब्बत का नाटक किया था? वो था उसके वहम, दहशत, परेशानी, शक और सदमे का इलाज, जिसके लिए दवाओं की नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की जरूरत होती है। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने नाटक किया या नहीं? किया। क्या उन 8 दिनों के अकेलेपन में आपका और इस हसीन नाजनीन एक्ट्रेस का वो नाटक हकीकत में नहीं बदल गया? इन बेबुनियादी सवालों का मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं योराना। ताल्लुक है मिस्टर राजेश। क्या आपके दिल को मुलजिमा की कशिश नहीं खींचा? क्या आपके उसके नाजायज ताल्लुकात नहीं? मिस्टर सिंह, व्हाट डू यू मीन? दिस इज नो क्वेश्चन, इट्स एन अटैक ऑन माय पर्सन। आई ऑब्जेक्ट टू इट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सिंह। क्या आप नीला के हुस्न का शिकार नहीं हुए? क्या आप उसकी चाहत में गिरफ्तार नहीं हुए? आपको मुलजिमा से मोहब्बत है या नहीं, जवाब दो। यस और नो, बोलो। है, मोहब्बत है, हमेशा। योर ऑन, मिस्टर राजेश ने खुद कबूल किया है कि उन्हें मुलजिमा से मोहब्बत है और रहेगी। मुलाहिजा हो, कितनी शानदार जोड़ी है, माशूक खूनी, आशिक वकील। योर ऑनर, मैं अदालत को आगाह करता हूं कि डिफेंस काउंसिल ने अपने फर्ज की हद से हटकर कानून को गुमराह करने की कोशिश की है। सच्चाई की आड़ में झूठ, फरेब और दगा का सहारा लेकर अपनी खूनी महबूबा को बचाने की बेअख्तियार कोशिश की, और ऐसे ही खुदगर्ज लोगों की वजह से लॉ इज एन एस, कानून को अंधा कहा जाता है। माई डियर टाइपराइटर, आज तो गाड़ी पटरी पर नहीं चली, लेकिन मैं कहता हूँ एक न एक दिन तो मैं कमाल जरूर दिखाऊंगा। अरे किसका कुत्ता है? ये तुम्हारा कुत्ता है क्या? आप मुझे नहीं जानती। अगर अपनी बेटी को सचमुच प्यार करती हैं और उसे बचाना चाहती हैं, कागज पर उसके दस्तखत करा लाइए। दस्तखत? तो क्या आप सचमुच उसे बचा देंगे? ये कागज कैसा है, क्या लिखा है इसमें? ये सब पूछने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग नीला के दुश्मन हैं। दस्तखत होने के बाद सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन याद रखिए, ये बात किसी को बताई तो खतरा उठाना। नहीं, नहीं, नहीं। मैं उसे बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। आई, तू कौन होता है? कागज कसला कपस ये विषय कुनाला सांगू नको, समझ ली? चल। आई, तू लका झाला? शायद वो आ गया। तू हाथ मत दिया, हाथ मत दिया। आप आए वकील साहब? आप शायद किसी और के इंतजार कर रहे थे। अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये नीला की छोटी बहन है वकील साहब, गांव से आई है। शक्ल बिल्कुल नीला से मिलती है। हम ताई का छोटा बहन, मेरा नाम मीना। नमस्ते। एक बात बोलूं, मेरा ताई बच जाएगा ना? मैं सच बोलती हूँ, मेरा ताई बहुत सीधी, वो किसी का खून नहीं कर सकती। वकील साहब, आप उसे बचा लेंगे ना? हमारा आई का हालत उसी चिंता में एकदम खराब हो रही। एक बात सुनो, मैं
से आई इस कागज के मारे पागल जैसी हो रही है। हम तो पढ़ने को नहीं सकता। क्या लिखा है? इससे साफ जाहिर है कि जरूर कोई नीला की दौलत के पीछे पड़ा है। हो सकता है वही असली मुजरिम हो। लेकिन इसका पता तभी लगेगा जब नीला को फांसी के नहीं घबराई नहीं, जो कुछ भी होगा ठीक होगा। आपके पास माचिस है? जोर की पड़ गई। जीआईपी होश में आओ। देखो सीआईडी, हाँ मैं फंस गए ना दोनों। मैं तो एक महाली का पीछा करते हुए टैक्सी वाला बन के यहाँ पहुंचा हूँ, वरना तुम तो 6 जन्म तक लापता रहते। अरे हाँ, होने का पता लग गया है। मेरी मुट्ठी में है, बस चल के उसको हथकड़ी पहनाओ। कौन है? अरे अपना कुलकर्ण है रामू, उसका मालिक। मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है। वो कागज किधर है? तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, लेकिन वो कागज किधर है? मेरे पास कोई कागज नहीं है। ये तो है कि नहीं? नहीं जा सकते। खैर चाहते हो तो 3 दिन से पहले बाहर निकलाओ। ये राजेश वकील की अदालत से गैर हाजिरी। वकील और मुलजिमा का भेद खुल गया। नीला का मुकदमा कमजोर। कल अदालत के सामने जूरी की राय। नर्तकी नीला जेल से फरार। आए तैया मैडम जेल से भाग गई। मालिक के खबर करे चाहिए। कौन मैडम? हाँ पहले दरवाजा बंद करो। समझ गई नहीं मैडम। हाँ मैडम मैं
जेल से भागकर आई हो। पुलिस मेरा पीछा कर रही है। रामू, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं अपनी सारी दौलत तुम्हें दे जाना चाहती हूँ। सारी दौलत हमका? नहीं बाबा, हमें हमें नहीं चाहिए। तुम्हारी दौलत तो मालिक के दरकार है। चलिए चलिए, हम ओके पास तो फिर चलिए। मालिक मैडम मैडम आई नहीं लीला, तुम? हाँ मैं जेल से भाग कर आई हूँ। और मैं बदनसीब, तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सका बेटी। रुपए पैसे की तंगी और कर्जदारों के डर से मौत का ऐलान करके मैं इस तरह छुप छुप कर रह रहा हूँ। लेकिन मेरे लिए तो अब आप ही का सहारा है। मेरी किस्मत अच्छी थी जो आप तक पहुँच सके। मैं अपनी सारी दौलत आपके पास अमानत रखती हूँ। ना जाने कौन दुश्मन मेरी दौलत के पीछे पड़ा है। ये लीजिए। शुक्रिया नीला बेटी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं दुनिया और कानून से तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अब मैं तुम्हें रामू के साथ वहां भेजता हूँ जहाँ कानून के लंबे हाथ भी तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे। रामू, शायद पुलिस आ गई, मैं जाती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन, भागे हुए मुलजिम का पता लगाना हो तो ओल्ड कैसल को घेर लीजिए। व्हाट, ओल्ड कैसल? हाँ हाँ, जो कुछ मैंने कहा है ठीक कहा है। देखा क्या दांव दिखाया है? आ जाओ। मेरी राय ये नहीं, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में तो लड़की को फांसी होगी। फांसी? मुकदमे की आखिरी मंजिल है, आज फैसला सुनाया जाएगा। आपकी तारीफ। एक रिटायर्ड वकील हूँ, इंटरेस्टिंग केस था सुनने चलाया। और आपकी तारीफ? मैं भी रिटायर्ड वकील हूँ, इंटरेस्टिंग केस है इसलिए मैं भी सुनने चलाया। मुझे तो दया आती है इस लड़की पर, बेचारी भोली भाली। भोली भाली या खूबसूरत हसीन? खूबसूरती और हुस्न का इस बुढ़ापे से क्या ताल्लुक? बुढ़ापे में ही दिल पर जवानी आती है जनाब। मेंबरान जूरी, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग किसी भी राय पर पहुंचने से पहले हर सबूत और हर बयान पर बखूबी गौर करेंगे और सही तौर पर अपने फर्ज का अंजाम देंगे। लिहाजा आप लोग फैसले के लिए चैम्बर में जा सकते हैं। अच्छा ये तो बताइए कि ये केस हारेगी या जीतेगी? मेरा ख्याल है तो जीतेगी। नो क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि हारेगी। मेरा ख्याल है कि जीतेगी। लगी शर्त? दस दस रुपए लगी। योर ऑनर, जूरी के सभी मेंबर तमाम हालात पर बखूबी गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुलजिमा नीला कसूरवार है। नहीं। अब आपकी वकालत का तजुर्बा क्या कहता है, फांसी होगी या उम्र कैद? मेरा ख्याल है उम्र कैद। और मेरा ख्याल है कि फांसी। उम्र कैद। फांसी लगी इस पर शर्त। 20 रुपए। 20 रुपए। मेंबरान जूरी की राय से तफाक रखते हुए मैं मुसम्मात नीला देवी को मरहूम रंजन का कातिल करार देते हुए जेर दफा 302 ताजीरात हिंद सजाए मौत का हुक्म देता हूँ। Let you be hanged by neck till you be dead. नहीं 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 सर, मेरे बच्चे बचाएंगे।
आपके भी बाल बच्चे होंगे, आपके सीने में भी बाप का सीना नहीं वसीयतनामा पर आ जाए। इस पर लिखा है, वैसे तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मेरी तमाम दौलत बेनी प्रसाद जी को मिले, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे ये सब कुछ हासिल हुआ है, लेकिन वो गुजर चुके हैं, इसलिए मेरी दौलत बराबर हिस्सों में मेरी माँ को और गरीबों को बांट दी जाए। इस पर नीला देवी के दस्तखत मौजूद हैं। साहब, वसीयत के मुताबिक नीला की तमाम जायदाद का हकदार मैं हूँ। मैं मरा नहीं हजूर, मेरा ही नाम बेनी प्रसाद है। बिल्कुल गलत। तुम बेनी प्रसाद कैसे हो सकते हो? शायद आप होंगे। इतने बदतमीज नहीं है। जो राधा, यही है वो बेनी प्रसाद जिसने अपने आप को मरा हुआ साबित कर रखा है। मैं ऐलान करता हूँ कि रंजन का अपनी कातिल यही है। ये बिल्कुल झूठ है। नहीं नहीं, बेनी प्रसाद जी ऐसे कभी नहीं कर सकते। खून मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने। मगर आप कौन है? इस बहरूपिया वकील को शायद इतना नहीं मालूम कि कल रात को नीला ने खुद अपने हाथों से मुझे असली वसीयत नामा दिया है। गलत। हर गुनाहगार एक न एक दिन अपने जाल में फंसता है। योरा, कल रात नीला ने नहीं बल्कि जेल से भागने का बहाना करके उसकी हमशक्ल बहन मीना ने आपको वसीयत नामा दिया। ये रही मीना योराना। There she is. दीदी, मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि असली मुजरिम को कटहरे में खड़ा किया जाए। योराना, यही है वो शख्स जिसने रंजन को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नीला की दौलत पर कब्जा करना चाहा था। लेकिन 13 जुलाई की तूफानी रात जब नीला रंजन के लाए हुए वसीयत नामे पर दस्तखत करने के लिए तैयार हो गई, तो रंजन की इंसानियत जाग उठी। ये सुनते ही गुस्से से तिल मिलाकर और रंजन से साधने का नाम पूछा जिसने बहकाया और गलाया था। ये तमाम वाक्यात छिपा हुआ बेनी प्रसाद सुन रहा था। कहीं भेद जाहिर न हो जाए, और इससे पहले कि रंजन की जबान और खुले, उसने कमरे की बत्ती बुझाकर पिस्तौल से रंजन को वही देखा। पिस्तौल की आवाज और अंधेरे की वजह से घबराहट और परेशानी से नीला के हाथ में पिस्तौल का घोड़ा भी दब चुका था, और उसने समझा कि उसी ने रंजन का खून किया। हालांकि असलियत यह थी कि नीला के हाथ की पिस्तौल से निकली हुई गोली सामने की दीवार पर जा लगी थी। वो सिर्फ नामे पर दस्तखत करवा रहे थे, फौरन बेनी प्रसाद जी का था। अगर खून के इल्जाम से बचना चाहती हो तो इस वसीयत नामे पर दस्तखत कर दो। और कोई रास्ता नजर नहीं आया। तूफान और बारिश के शोर में ही वो वहां से भाग निकला और भागते भागते अंधेरे से जा टकराया। कौन है बाबा? कौन है बाबा? कौन है बाबा? कैसे फायदा उठाकर बेनी प्रसाद ने अपना गुनाह नीला के सर पर लगाने के लिए वहां से भागकर पुलिस को फोन कर दिया और अपनी मौत का ऐलान करके दुनिया और कानून की नजरों में आज तक धूल झोंकता रहा। असली खूनी यही है योराना। ये सब झूठ है, गलत है, ये सब बेसर पैर के इल्जाम है। ये सब सच है, वरना आपने अपनी मौत के फाके फैलाई थी। ये मेरा जाती मामला है हजूर। मैं कर्ज के बोझ से दबा हुआ था। मेरे जीने और मरने से बेचारे रंजन और नीला बेटी का क्या वास्ता? बेनी प्रसाद ने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त को जासूसी कहानी बनाने का बहुत बड़ा शौक है, वरना जो कुछ भी इन्होंने कहा है इसका इनके पास क्या सबूत है? सबूत है योर ऑनर। आखिरी बार मैं एक गवाह फिर से अदालत के सामने पेश करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ग्रांटेड। कॉल द विटनेस। तालू भिकारी। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त फिर से अंधे फकीर को लाकर अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। कालू, तुम यह कबूल कर चुके हो कि जिस रात नीला के मकान में रंजन का खून हुआ तुम वहां मौजूद थे। हाँ सरकार। तुम ये भी कबूल कर चुके हो कि तुमने गोली की दो आवाजें सुनी। हाँ सरकार। तुम ये भी कबूल कर चुके हो कि गोलियों की आवाज सुनने के बाद जब तुम बुद्ध की तरह वहां खड़े रह गए तो तुम्हें कुछ धक्का देकर चला गया। हाँ सरकार।
अगर तुम्हारी आंखें होती तो तुम उसे पहचान सकते। हाँ सरकार। लेकिन तुम अंधे हो इसीलिए तुम नहीं पहचान सके। हाँ सरकार। कालू भिखारी अंधा नहीं है योर ऑनर। हाँ सरकार मैं अंधा नहीं हूँ। पहले ये पापी पेट भरने के लिए अंधा बनना पड़ा और उस दिन से अपनी जान बचाने के लिए अंधा बनकर रहना पड़ रहा है। ये बेनी प्रसाद कालू अंधे। अगर मुझे मालूम होता कि तू आंखों वाला अंधा उसी रात रंजन के साथ घबरा मत जयंती, आज तुम्हारा सीआई भी कमाल दिखाएगा। हाँ तू मुझे पकड़ेगी तो मैं उसे कैसे पकड़ूंगा। दफा 302 ताजी रात हिंद बैनी प्रसाद को सजाए मौत का हुक्म देता हूं। ठीक है जो होना था हो गया। लेकिन तुम्हें क्या मिला? मुझे नाम मिला, इज्जत मिली, और क्या चाहिए? और प्यार? मैं किसी से प्यार व्यार नहीं करता हूं, पिछला सब कुछ भूल जाना चाहता हूं। मैं आज ही माँ से कह दूंगा कि अगर उसे एक लड़की पसंद है तो मेरी शादी कर देगी। वो तो मुझे भी पसंद करेंगे। तुम मेरे दिमाग से जाती क्यों नहीं? सार कभी जुदा नहीं होता।